सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल नई नई व्यवस्थाएं आती हैं, त्योहार आते हैं, ऋतुएं आती हैं, व्यवस्थाएं आती हैं, योजनाएं आती हैं, पर एक चीज और आती है जो लगातार आ रही है, वो है बीमारियां। वो बीमारियां जो मानव जाति के लिए अभिशाप है, वो बीमारियां जो हमारे परिवार को हमको संक्रमित करती है, वो बीमारियां जो हमको तन मन धन से तोड़ देती हैं। क्योंकि हमने इसके पहले कोरोना में भी देखा है, मानवता शर्मसार भी हुई और एक महामारी थी, विभीषिका थी और सब पीड़ित हुए, बड़ा संहार। पर उस बीमारी को अगर हम पीछे छोड़ देते हैं, उस बीमारी की बात यहां नहीं करेंगे, तो कुछ बीमारी ऐसी भी है जो कोरोना तो नहीं है पर हर साल आ रही है। बरसात जैसे ही शुरू होती है, मानसून जैसे ही शुरू होता है, उसके बाद मानसून जैसे ही जाता है, बीमारियों की सौगात हो जाती है। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, ना जाने कितनी बीमारियां हैं, वो लगातार फैलती नजर आ रही हैं। और ये केवल इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर साल की स्थिति यही है। मच्छरों से निपटने के लिए क्या प्लान है पता नहीं, मच्छरों को रोकने के लिए क्या प्लान है पता नहीं, बीमारी से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है पता नहीं, बेड कितने हैं पता नहीं। और जब पता नहीं होता है तो ना जाने क्यों जनता तो त्रस्त है ही, पर जब जनता त्रस्त होती है तो फिर न्याय व्यवस्था संज्ञान लेती है, न्याय व्यवस्था जो न्यायतन को मजबूत करती है, न्याय व्यवस्था जिस पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। और जब वही न्याय व्यवस्था स्वतः संज्ञान लेती है तो नजीर भी पेश करती है और आंखें भी खोल देती है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं जो उत्तर प्रदेश से फैल रही हैं, उसको लेकर यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया है, याचिका यहाँ पर कायम करा के अब उस पर सुनवाई चल रही, 6 नवंबर को सुनवाई यहाँ होने वाली है। और उन्होंने सरकारी वकील से, माना अधिवक्ता से, मनीष गोयल से पूछा भी है कि इसकी क्या तैयारी है, मलेरिया कौन से जीनोम से संक्रमण हो रहा है उसकी क्या पता है आपको, तंत्र कैसे काम कर रहा है पता है आपको, और सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, और सिस्टम अगर बेहतर है तो यहां पर तैयारियां क्या क्या हैं निपटने के लिए। सरकार की तरफ से जो बात रखी गई, अधिवक्ता की तरफ से बात रखी गई, वो ये कहा गया है कि नहीं, हमारा तंत्र मजबूत है, हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारा सिस्टम मजबूत है। तो सब मजबूत है तो फिर बीमारियां फैल क्यों रही हैं? और ये केवल एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, ये व्यवस्था लगातार है। योगी सरकार 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा सत्ता में आई, जनता को बड़ी उम्मीदें रही और सरकार कहती है कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक हम यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाटिल लगातार छापे मार मार कर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते नजर आते रहते हैं, पर अभी भी तमाम खामियां हैं, उस पर काम कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष चुनाव में व्यस्त है, शायद सरकार भी फिलहाल चुनाव में व्यस्त है, क्योंकि 24 चुनाव आने वाला है और लगातार सरगर्मियां चल रही, सम्मेलन हो रहा है, बात चल रही है, बैठक चल रही है और रणनीति बनाने की बात चल रही है, किस वर्ग को अपने पाले में करना है उसकी बात भी चल रही है, पर वो वर्ग जनता है, जनता की बात कोई नहीं कर रहा। जनता यहाँ पीड़ित है, जनता यहाँ दुखी है, जनता यहाँ संक्रमण से परेशान हो रही है, जनता को बेड नहीं मिल रहा है, अगर फॉगिंग हो रही कि नहीं हो रही है इसकी बात कोई करता नजर नहीं आ रहा है। महकमे की बात सरकार कहती है और सरकार की नीति, सरकार कहती है हमने बेहतर नीति बनाई है, दो राय नहीं है, नीतियां दुरुस्त है, सरकार के आदेश दुरुस्त है, तो अगर सब कुछ दुरुस्त है तो यहाँ पर खामियां कहाँ है? खामियां सिस्टम में, खामियां उन आदेशों को निर्वाह करने में है, खामियां जिम्मेदारी को निभा करने में है, और खामियां यहाँ पर उस दर्द को समझने में है। जब आप दर्द समझेंगे, जब आप लाइन लगाएंगे, जब आप बेड के लिए भटकेंगे, जब स्ट्रेचर ढूंढेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखना बहुत जरूरी है, पर यहाँ पर शासन को यह भी समझना पड़ेगा कि जिस जनता के पास हम वोट मांगने जाते हैं, अगर वही जनता यहाँ पर बीमारी संक्रमित रहेगी, परेशान रहेगी, भले आंकड़े कम हो, मोर्टिलिटी रेट कम हो, मृत्यु दर कम हो, पर यहाँ पर परेशानी कौन करेगा? क्योंकि तमाम बीमारियां ऐसी हैं, टाइफाइड, वो टाइफाइड जो अमूनन बहुत कम होता था, चिकित्सक हमें बताएंगे, पर वो टाइफाइड अमूनन हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ पर गंदा पानी,
या फिर व्यवस्थाएं कर रहा, चिकनगुनिया, डेंगू लगातार, यानी ऐसा होता है कि जैसे हर साल ऋतु आती है वैसे ही हर साल ये बीमारियां समय लेके चली आ रही है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के तमाम तीमारदारों की बेबसी की तस्वीर है, लाचारी की तस्वीर है, बदलते उत्तर प्रदेश के फर्जी कागजातों पर फर्जी सुशासन की मोहर की तस्वीर है, लाशों के ढेर पर प्रशासन व्यवस्था के कब्र का गुंबद बनाने वाले हुक्मरान ये तस्वीर देख लें। उत्तर प्रदेश में घरों के बुझते चिराग आग ज्वाला धक्का रहे हैं, जिसकी लपट में सरकार की व्यवस्था और प्रशासन के बड़े बड़े दावे और झूठी शासन व्यवस्था धू धू कर कर जल रही है। अपनों के आगे अपनों के दम तोड़ने की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में डेंगू के डंक से मरने वालों की। हर साल बरसात के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। उस समय पहले तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस पर काबू पाने को लेकर प्रशासन हलकान दिखाई दे रहा था। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो गई थी। उस दौरान सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। अब दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 सालों में इस बार सर्वाधिक मामले आए हैं। इस बार डेंगू के लक्षण कुछ जटिल भी देखे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों को देख सुओ मोटो लेकर जनहित याचिका कायम कर सरकार से डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों की रोकथाम और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज के अफसरों को 1 हफ्ते का समय दिया, जिसके बाद उन्हें अपना जवाब हाईकोर्ट के सामने दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस करने वाले कई वकीलों को डेंगू और चिकनगुनिया की चपेट में आने के बाद कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है। नहीं, शुरुआत से ही डेंगू के लिए अलग अलग बेड निश्चित किए गए हैं और सब जगह जो भी मरीज आ रहा है उसको एडमिट करके प्रॉपर उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है कि जो डेंगू का प्रकोप है वो बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए ज्यादा कुछ इंतजाम नहीं दिख रहे हैं, हॉस्पिटल में तो लगातार दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको लेकर के सबसे पहले आप क्या? सबसे जरूरी चीज है डेंगू को कंट्रोल करने के लिए मच्छरों की उत्पत्ति को रोकना, उनको फैलाव से रोकना। तो उसके लिए अगर आप स्टेप ले लोगे तो ये डेंगू हो गई नहीं। जो इनिशियल लेवल पे प्रिवेंशन वाली बात है, भाई किसी को अगर मच्छर काटेगा तभी डेंगू होगा, तो मच्छरों से बचना प्राइम इम्पॉर्टेंस है और उसके लिए उचित व्यवस्थाएं की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी। तो महत्वपूर्ण चर्चा, वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से यहाँ पर शमशी अजहर अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से यहाँ पर रजनीकांत मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी अपनी बात रखेंगे, डॉक्टर शहनवाज खान वरिष्ठ चिकित्सक रूप में अपनी बात रखेंगे, और बड़े समाज सेवी के रूप में यहाँ पर डॉक्टर विवेक शर्मा, हमेशा सरकार के नाम का नाम करने वाले, अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा शमशी भाई से। शमशी भाई, हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, आप लोग संज्ञान ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, खुद याचिका दायर कर दिए और 6 नवंबर को सुनवाई होगी, बोल रहे तंत्र कैसा है, सवाल ले लिए हैं, सवाल किए हैं यहाँ पर बीमारियों को लेकर। बीमारियाँ ऋतुएँ हो गई, लगता है हर साल चली जाती हैं, दुरुस्त कर लीजिए, अगले साल उसे तो ना आए, इंतजार करते रहते हैं, आप जानते हैं कि नहीं व्यवस्था बदल लेंगे, बदलाव हो जाएगा, जवाब आपको लेना है। धन्यवाद आपका, आपके चैनल पर बैठे हुए सभी अतिथियों का भी जी नमस्कार उनको, और आपको भी सादर प्रणाम जी। आपने इस जटिल समस्या को आज का मुद्दा, हम तो उठाएंगे भाई, जटिल समस्या को आज का मुद्दा बनाया और हम लोगों को पार्टी की बात, समाज की बात और अपनी बातें कहने का मौका दिया। मेरा एक निवेदन ये है कि आज की बात को, आज की बहस को अगर राजनीतिक मुद्दा न दिया जाए तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि परिवार सबका परेशान होता है, स्वास्थ्य का मैटर ऐसा होता है कि हर के घर में कोई ना तो कोई ना कोई बीमारी सबको रहती है। सार्थक अगर बहस हो तो हम भी, अगर सरकार की कोई कमी है तो उसको भी स्वीकार करेंगे, और सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो आपसे भी निवेदन यही है कि आप भी उसको तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। मैं तारीफ नहीं करूंगा, जो है सरकार का सहयोग, हमने दोनों बात कही कि अगर
कमी है तो आप उजागर कर दें। और लोग जो पैनल में बैठे उनसे भी, और बाकी अगर बहस करेंगे तो कोई भाषा वो नहीं निकलेगा, तो यही हमारा कहना है। सुंदर डिबेट होगी। सबसे पहले तो देखिए ये कि बीमारी है और बीमारी बता के नहीं आती ना, बीमारी का कोई समय होता है। नहीं समय तो निश्चित नहीं, कोई समय नहीं होता है। डेंगू हर साल आता है हमारे ख्याल से। अच्छा, हर साल क्यों आता है? इस साल अभी आप अगर आंकड़ा निकालेंगे तो इस साल मृत्यु दर में कमी हुई है। अच्छा, कमी इस वजह से हुई कि लगातार जब से स्वास्थ्य मंत्री हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जब से बने, तब से उन्होंने देखा होगा आपने कि लगातार अपने खिलाफ उन्होंने जांच भी कराई, सरकार के खिलाफ भी जांच कराई, बहुत से लोगों को इधर से उधर किया, ट्रांसफर वाला, स्थानांतरण वाला, सब कुछ आपने देखा किस किस तरीके से, कभी व्हील चेयर का मामला हो, कभी स्ट्रेचर का मामला हो, साफ सफाई वाला मामला किया। ऐसा पहला प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री रहा डिप्टी सीएम होते हुए, उसने अपनी ही कमियों को उजागर किया, और उन कमियों का ये हुआ कि फिर उन कमियों को धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। बड़ा प्रदेश हम तो ये नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरीके से स्थिति में कंट्रोल में है, लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है कि जागरूकता का अभियान जब सरकार चलाए तो जनता को भी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा सहयोग करे। भाई आपके घर में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो सरकार आके रोज ही चेक करेगी। अच्छा, सरकार का काम हमारे ख्याल से घर के बाहर तक का होता है, आपके कमरे के अंदर, आपके कूलर के अंदर, आपके किचन के अंदर जो गंदगी वहां जमा है उसके लिए सरकार आपको मोटिवेट कर सकती है, उसके लिए सरकार आपको जागरूक कर सकती है। लेकिन काम आपका भी है कि आप भी घर की गंदगी को जैसे उठा के बाहर फेंक देते हैं, जबकि कूड़ा उठाने वाली व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, नगर निगम तरफ से भी है, प्राइवेट कंपनियां भी लगी है, तो हमें नहीं लगता कि लखनऊ में ऐसी कोई भी गली बची हो कि जहां सरकार की तरफ से गंदगी साफ करने का कार्यक्रम न हो। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा, वैसे आनंद फानंद ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ आपके स्वास्थ्य मंत्री और बाकी सारे महकमे ने मिलकर बैठक की, और उसके बाद ये हुआ कि अस्पतालों में जो बेड की सबसे बड़ी समस्या आती है तो उसको बढ़ाने का काम किया जाए, तो उसके पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सभी अस्पतालों में कम से कम 50-50 बेड बढ़ाने का काम किया जा रहा है, वो फौरन किया जाएगा। उसके बाद ये हो जा रहा है कि नगर निगम को खास निर्देश दिए गए हैं कि शहर में कम से कम साफ सफाई का काम, जहां पर पानी इकट्ठा है, नालियों में छिड़काव का काम, जो यहाँ वहाँ गड्ढे हैं पानी भरे हुए हैं उनको भी साफ करने का काम, उस पर भी नगर निगम को आदेश दिया गया। हमारे जो महापौर हैं सुषमा खरकवाल जी, उन्होंने भी इस पर मीटिंग की, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश लखनऊ फैला गया। नहीं, हम लखनऊ के भी अभी बता रहे हैं ना, उसके बाद आप भाई स्वास्थ्य मंत्री तो सबके, डिप्टी सीएम पूरे प्रदेश के, तो मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ। मैं स्पेशली अभी लखनऊ की बात कर रहा था क्योंकि लखनऊ में मीटिंग हुई है, तो यही की बात करेंगे। अभी मिर्जापुर में हुई कि नहीं हुई, गाजीपुर में हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो यही है। लेकिन जनता से भी मेरा निवेदन यही, हाथ जोड़ कि बीमारी जो है ऐसा नहीं है कि हमारे घर में आएगी तो आपका घर साफ रहेगा, आपके घर में भी आ सकती है, तो जागरूकता में सरकार का सहयोग करें और अपने घर को, अपने बच्चों को कम से कम फुल आस्तीन की शर्ट पहना है, पैंट पहना है, और कीटनाशक जो आता है उसको भी लगाने का काम करें, ताकि आपके घर में बीमारी दूर रहे और पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे। जागरूकता अभियान चला दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद जी। जागरूकता अभियान था आपका जो आपने बोला है, अच्छा लगा मुझे। मेरे दो सवाल है, बहुत सरल सवाल है मेरे। आपने कहा डेंगू हर साल आता है, अरे कोई ऋतु है क्या, कोई सीजन है क्या, हर साल चला? बीमारी है, बीमारी है जी। तो बीमारी को रोकने का प्रयास कर सकते हैं? बीमारी पर रोकने का, जैसे कि आपने देखा कि सघन अभियान। सवाल सुन लीजिए जी। दूसरा सवाल मेरा आपने ये है, आपने कहा कि यहाँ पर वो बाहर सफाई करती है जो कंपनियां हैं, वो कूड़ा ले आती हैं, लोग बाहर फेंक देते हैं, टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं कूड़ा फेंकने का? नहीं, कूड़ा फेंकना नहीं, जो कंपनियां आप कराते हैं। और वहीं लखनऊ की आप बात कर रहे हैं, उसी लखनऊ में जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है उस पर कार्रवाई हुई है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो मैं आपको लखनऊ की बात बता रहा हूँ, जो आपने लखनऊ की यहाँ चर्चा की, क्यों किया गया? क्योंकि वो कूड़ा ही नहीं उठाती थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, राजधानी लखनऊ में कूड़ा उठाने की व्यवस्था है कि नगर निगम के जो एक वेंडर व्यवस्था चल रही है यहाँ पर, वो ठेले से ले लेके आते हैं, और यहाँ पर सब लोग मेरे ख्याल जाते होंगे, कूड़ा उनको दिया जाता है। तो कूड़ा तो यहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी यहाँ घर वाला से, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो कूड़े को अपने घर में सहेजेगा। कूड़ा सहेजने के लिए नहीं होता है, बाहर तो खैर कोई नहीं फेंकना नहीं चाहिए, कोई गंदगी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर समझी भाई आपने ये कहा कि फॉगिंग लेके तमाम व्यवस्थाएं हैं, अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं तो बीमारी फैलनी नहीं चाहिए, कि मच्छर जहाँ फॉगिंग कराएंगे, जहाँ छिड़काव करेंगे, तो वहाँ पर लार्वा पनपेगा नहीं, जब लार्वा पनपेगा नहीं तो यहाँ पर कोई व्यवस्था खराब होने वाली नहीं है। और जिस तरह टाइफाइड फैल रहा है, टाइफाइड तो मच्छर तो फैलता नहीं है भाई, टाइफाइड तो मेरे से हमारे सनवाद भाई बताएंगे टाइफाइड का कारण क्या है, उसकी पीछे जिम्मेदारी किसकी है, उसकी ना फॉगिंग क्या हो सकता है, ना लार्वा क्या हो सकता है, वो कैसे फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, और यहाँ पर तंत्र को समझना पड़ेगा।
जवाब आप दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमान को लेता हूं। आपने असल में सवाल पूछने की उत्सुकता में हमारा जवाब सुने ही नहीं। अच्छा, हमने यही कहा कि घर के अरे अंदर जागरूकता अभियान चलाया नहीं, घर के अंदर मैंने फिर कहा कि शुरू में ही कहा कि बहस करने के लिए बहुत मुद्दे आते रहते हैं। इस वक्त जो परिवार के स्वास्थ्य की बात है, और हर आदमी को अपना परिवार प्यारा है, हर आदमी को अपना परिवार प्यारा है। यहाँ पर न कोई विपक्ष है न सत्ता पक्ष की बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कमियां हैं तो हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको सुधारने का काम करेंगे। और आपसे भी यही कहेंगे कि अगर कोई सुझाव हो सकता है तो आप हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करें। बहुत सरकार की नीति बेहतर, सरकार की नीति खराब नहीं है, सुन तो लीजिए। पर सिस्टम जो है वो काम नहीं, सिस्टम भी तो देखिए, सिस्टम धीरे धीरे ना सही होता है। तो इतना बड़ा प्रदेश है, दूसरा कार्यकाल है समझी भाई, दूसरा कार्यकाल है, तभी तो आज देश की हालत, आज प्रदेश की हालत जो सुधरी है इसी वजह से तो सुधरी है। जनता ने भरोसा किया, दूसरी बार हमको सरकार बनाने का मौका दिया, तो हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और हम फिर यही कहेंगे कि घर के अंदर की जिम्मेदारी आपकी है, बाहर की जिम्मेदारी हमारी, बाहर की निभाई है की, और वो आप सफाई, आपने खुद बताया कि एक जो है सफाई, वो सफाई वाली संस्था थी उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, और आपने कारण भी बता दिया। तो जब सरकार इस तरीके से काम करे तो आप खुद ही समझ सकते हैं सरकार कितनी गंभीर है, कि अगर काम नहीं करे तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, दूसरों को मौका दिया जाएगा, ताकि हमारा प्रदेश जो साफ सुथरा रहे। प्रवक्ता सभा नितिन भाई, नितिन भाई दूसरा कार्यकाल आ गया, कह रहे हैं खत्म हो जाएंगी, लगे हैं प्रयास कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, और जब हाईकोर्ट संज्ञान लेता है तो वजह होती है, क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी तो संज्ञान लेना लाजमी है, और न्याय व्यवस्था इसीलिए भारत की बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नितिन भाई क्या जवाब है आपका? जी गौरव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदार चैनल की हैसियत से आपने मुद्दे को उठाया है जी। और देखिए, हमारे भाई ने कहा कि आज के मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होगी, मैं बिल्कुल भाई ईमानदारी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोई आज की डेट पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, जो वास्तविकता है उसी पर चर्चा करूंगा। हाईकोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से बिना तथ्य के कोई चीज सामने नहीं होती है, और बिना तथ्य के कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है, और आपके अधिवक्ता से भी उस पर पूछा गया है। मैं जो वास्तविक हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम लोग खुद देखते हैं अपनी नजरों से जी। एक तो दो तरीके की व्यवस्था है, जैसा कि हमारे भाई ने भी बताया कि एक तो सरकारी नगर निगमों की व्यवस्था है, दूसरा प्राइवेट कंपनियों को कूड़ा उठाने का टेंडर दिया गया है। तो प्राइवेट कंपनियां है वो अपना, उनकी गाड़ियां आती है, कूड़ा सूखा और गीला अलग अलग सुबह लेती है, और उसका वो अलग से चार्ज लेती है, 100 रुपए पर बिल्कुल लेती है। बहुत सारी व्यवस्था जो अच्छे इलाके हैं जहाँ संपन्न लोग हैं, 100 रुपए देते हैं और वहां से कूड़ा उठता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि वो लोगों की ये बैंक कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 रुपए पर घर से पेंट कर सके, उन इलाकों का कूड़ा बाकायदा नहीं उठता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसकी मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ बहुत सारे। दूसरी चीज जो सरकारी व्यवस्था है, एक तो वो कूड़ा उठाएगा, झाड़ू लगाने की जो व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था वो नगर निगम की है, ठीक है। प्राइवेट एजेंसी सिर्फ घरों में जो कूड़ा कलेक्ट होता है वो कूड़ा उनकी सुबह गाड़ी आएगी, गाना बजाएगी, आप उनकी गाड़ी में डाल दीजिए और महीने में उसका चार्ज करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चलते फिरते सड़क से कूड़ा इकट्ठा होता है वो काम है नगर निगम का, और नगर निगम के सफाई कर्मचारी उस पर प्रतिदिन झाड़ू लगाने का काम ऐसा व्यवस्था में। लेकिन मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ कि प्रतिदिन तो छोड़िए, सप्ताह में एक दिन अगर सफाई नायक आ जाए तो बड़ी बात होती है। जब किसी विशेष व्यक्ति को, चूंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, किसी को आना होता है, उस दिन स्पेशली सफाई नायक को जो वहां का क्षेत्रीय इंस्पेक्टर है उसको फोन करके कहना पड़ता है, भैया आज हमारे यहाँ जरा फला लोग आ रहे हैं, जरा किसी भेज के सफाई करवा दीजिएगा, तब कहीं जाकर के वो सफाई होती है। ये व्यवस्था है आम गली मोहल्लों में, 8-8, 10-10 दिन तक झाड़ू नहीं लगता, पूरा कूड़ा इकट्ठा होता है, और यही कारण है कि जिसकी वजह से, और कई जगह तो ये भी देखने को मिला है कि जो सफाई कर्मचारी जो सरकार वाले हैं वो तो बाकायदा मुंह में पान मसाला दबाकर घूमते हैं, और किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि सप्ताह में एक दिन हमारी जगह पे आप झाड़ू लगा करके आएंगे। ये है वास्तविक हकीकत भाई, इसकी जांच कराओ। आपको जनता ने दूसरा मौका दिया है और आप दूसरी बार सरकार में बैठे हैं, किसी उम्मीद और भरोसे के साथ जनता का भरोसा मत तोड़ो।
ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी, आपके उप मुख्यमंत्री जी कई जगह छापेमारी करते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि मुख्यमंत्री जी आपके उप मुख्यमंत्री को पता भी नहीं चलता, उनके विभाग में सैकड़ों की तादाद में स्थानांतरण हो जाते हैं और मुख्यमंत्री इसकी शिकायत लेकर के घूमते हैं जाकर मुख्यमंत्री से। आप ये भी देख लीजिए कि मुख्यमंत्री की नाक, डिप्टी सीएम की नाक के नीचे उनके विभाग में किस तरीके की धांधलियां हो रही है, तो सरकार को कितना सीरियस ले रहे हैं अधिकारी। अगर इसलिए अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, ठीक, और थोड़ी बहुत नहीं, दोषियों पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, कार्रवाई का जो आंकड़ा देखा जाए तो वो शून्य है इस सरकार में। बिल्कुल, सरकार कार्रवाई नहीं करती है और यही कारण उस भ्रष्टाचार पनप रहा है। बाकायदा सफाई नायक है जो क्षेत्र में आरोप लगा करके केस नहीं लगाना चाहता था, लेकिन ये बात आरोप में आ जाएगी, जो क्षेत्रीय पार्षद है वो बाकायदा कमीशन लेते हैं झाड़ू ना लगाने का, उनको पैसा दिया, जो सफाई नायक अपनी तनख्वाह से पैसा देगा पार्षद को, तो वो फिर झाड़ू लगाने नहीं जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस वही भर देते हैं पार्षद जी। ये वास्तविक हकीकत है इस सरकार की। सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं वो इन कर्मचारियों तक से वसूली करते हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता परेशान है। हम बाकायदा टैक्स पेयर हैं, हम लोग नगर निगम को टैक्स देते हैं, जल निगम को टैक्स देते हैं, सीवर टैक्स देते हैं, इसके बावजूद भी गंदगी रहेगी तो बीमारी पनपेगी। और अभी आप कह रहे थे कि घटा रेशियो, आपकी की गौरव जी आपकी की रिपोर्ट में अभी सामने आया कि लगातार तीसरे साल ये आंकड़ा बढ़ा है, तो इसलिए चाहिए कि सरकार इसको गंभीरता से ले। ये लोगों की जान से जुड़ा मामला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं। हम लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि ये बात सरकार के कानों में आए और सरकार गंभीरता से ले और दोषी लोगों पर कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये इस पर कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात है, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस मलिक जावेद अंसारी, मलिक भाई क्या स्थिति है, महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का है यहाँ पर। जिस तरह से समझी भाई बोले राजनीति नहीं करेंगे, पर समझी भाई ने तमाम तरह की यहाँ पर निवेदन भी कर लिया, लोगों से निवेदन कर लिया, जो एक बात होती है जनता के प्रतिनिधि की, उन्होंने यहाँ पर कर ली डिबेट में। पर यहाँ पर जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ पर हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है, इस मामले में जिम्मेदार कौन है। अगर मौतें हो रही हैं, अगर बीमारी फैल रही है, क्योंकि समझी भाई ने कहा वो तो आती रहती है, कोई बीमारी आती नहीं रहती है, बीमारी कारण बनते हैं, कारक बनते हैं और आधार बनता है, तब वो बीमारी आती है, इतना तो भाई जानकारी सबको होगी। जवाब क्या आपका? जी बिल्कुल गौरव भाई, मैं आपके सवाल से बहुत सहमत हूँ जी, और शमसी भाई की एक बात से भी सहमत नहीं हूँ कि जिम्मेदारी कौन लेगा डेंगू की, टाइफाइड की, मलेरिया की, जो उत्तर प्रदेश में बीमारियां फैल रही हैं, उसकी जिम्मेदार ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो निकायों में भी ये जीत गए थे, मेयर इनके हैं, विधायक इनके हैं, संतरी इनके हैं, मंत्री इनके हैं, और मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप भाजपा के चाटुकारों की पिक्चरों का प्रमोशन ना करें। इनका पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और दो दो मुख्यमंत्री लखनऊ में पिक्चर का, एक मूवी तेजस आई थी उसका प्रमोशन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री का काम पिक्चरों का, मूवी का प्रमोशन करना नहीं होता है, लोगों की हिफाजत करना होता है और उसका काम करना होता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था गौरव भाई यूनिसेफ की, यूनिसेफ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक साल में 380,000 बच्चों की मौत होती है जो 5 साल से आयु के कम होते हैं, और वो वजह है डायरिया और माल न्यूट्रिशन, दो वजह से मौतें होती है। तो इनको थोड़ा आंकड़े में इनको बताना चाहूंगा, और ये कह रहे हैं कि तो मौसम की वजह से हो जाता है, सफाई नहीं है इस वजह से हो जाता है। तो 2017 की घटना ये भूल गए होंगे, गोरखनाथ में एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें 60 बच्चों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और कोरोना काल में हमने देखा है, माँ गंगा इसकी साक्षी है, किस तरीके से गंगा में लाशें बह रही थी, और इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो घर में छुप के बैठ गए थे। अच्छा। तो पूरी दुनिया ने वो नजारा देखा है, पूरी माँ गंगा को इन्होंने दूषित किया था और इनका जितना भी सिस्टम था कोलैप्स हो गया था। अच्छा। जो मांग करता है, जो न्याय की मांग करता है या कोई भी मांग कर रहा था ऑक्सीजन की, उसके ऊपर ही मुकदमे डाले जा रहे थे। तो ये ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी से हमेशा भागते हैं और दूसरों पर डालते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक मत करो, राजनीतिक मत करो। भाई सवाल कौन पूछेगा आपसे, सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना। अब डेंगू हो रहा है, फॉगिंग क्यों नहीं करा रहे हो आप,
आपने कहा कि लार्वा को मरवाइए, सफाई करिए, तो ये काम हम थोड़ी करेंगे विपक्ष में। आपको 200-200, 400-400 विधायक दिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो काम कौन करेगा? आप क्या पिक्चर देखने आए हो? आपके आपका मंत्रिमंडल पिक्चरें देखने आया है? आपको जिम्मेदारी है 22 करोड़ लोगों की, आप जिम्मेदारी निभाइए। आप तो पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हो, शर्म की बात है अगर मुख्यमंत्री पिक्चरें देख रहा है और जनता पीड़ित है और परेशान है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी रालोस से, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा एक लेटर भी भेजा गया है शासन को, मुख्यमंत्री को, कि डेंगू और मलेरिया को लेकर संज्ञान लें, कार्रवाई करें, बचाव के प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की अगर भूमिका, तो तमाम विपक्ष हमारे सामने मौजूद है, पर शायद विपक्ष भी यहाँ चुनाव में लगा हुआ, पर मैं तो यहाँ पर तारीफ करूँगा रालोट की कि एक लेटर भी जारी किया गया बाकायदा कि डेंगू को लेकर संज्ञान लेना जरूरी हो गया है, समय आ गया है। प्रवक्ता रालोट रजनीकांत जी, रजनीकांत जी जगह अनपढ़ी लेटर की और आवश्यकता भी थी, पर मुद्दा आप डिबेट में भी है हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद, क्या जवाब है आपका? देखिए मेरा तो कहना ये है कि जो सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा है। क्या बात है? और अगर ये कहना कि सिस्टम सही नहीं काम कर रहा और सरकार काम कर रही है, तो ये बातें गले के नीचे नहीं उतर कि मंत्री काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ये बातें गले के नीचे नहीं उतरती, ये गुमराह करने की बात। गुमराह करना चाहिए। देखिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सही बात बता रहा हूँ कि अगर आप एक्शन में हैं तो कर्मचारी काम कैसे नहीं करेगा। क्या बात है? आपका कोई छिड़काव नहीं, आपने कोई रोस्टर ऐसा नहीं बनाया कि कहाँ कहाँ से आपकी फॉगिंग होगी, कहाँ क्या होगा, कोई रूट प्लान आपका नहीं है। आप इस सीजन में इतने दिन हो गए, आप कह रहे हैं इस सीजन में आती रहती है। अरे जब मालूम आती रहती तब तो और ठीक हो जाती। बिल्कुल सही बात है। जब ये मालूम है कि आती रहती बीमारी तब तो और इस पे ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी बात कही, साधारण उपचार से बेहतर है और ठीक हो जाना चाहिए। जी गौरव जी, मैं बहुत बचपन की बात आप मैं मुझे आज याद आ गया, बैठे बैठे हम लोग कि एक पहले जमाने में नगर निगम हुआ नहीं था, नगर पालिका हुआ करता। बिल्कुल हुआ, लखनऊ जैसा एक आध दो शहर नगर निगम था, अब तो 16-17-18 हो गए। तो ये पीठ पे वो हवा भर के एक बक्सा टांगता था आदमी, नाली में यूं स्प्रे। क्या बात, बिल्कुल मैंने देखा है जी, आप भी देखे होंगे, मैंने भी इसको देखा है जी। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो मैंने इसको मतलब शहरों में ये चीजें चलती थी, होती थी। गांव में लोग मच्छर के लिए धुएं हुए जलाते थे, गाय के पास, भैंस के पास जहां पालते थे उससे मच्छरों को भगाते थे। ठीक है, मच्छर एक प्राकृतिक चीज है, जो मच्छर आएगा, लेकिन मच्छर खत्म कैसे होगा, ये काम सरकार का है, ये काम हमारा है, हम उस पर कितना काम कर रहे हैं। हम इनकी बात से एक बात से सहमत है कि भाई ठीक, हम आप घर के अंदर सफाई नहीं करेंगे। आपसे कोई कह भी नहीं रहा कि आप घर के अंदर जाके सफाई करिए या कोई ऐसा स्कीम बनाए कि हर घर में जाके आप सफाई कर दीजिए और कर दीजिए, लेकिन नहीं, फॉगिंग का जो काम होता है तो लोग अपने जंगले खोलते हैं और घरों में उसके धुएं जाते हैं, उससे मच्छर मरते हैं, उससे बीमारियां दूर होती है। बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन आप उसको करेंगे नहीं, तो आप कहेंगे कि सड़क, हम घर की जिम्मेदारी नहीं लेते। जिम्मेदारी घर की भी आपकी ही है कि आप भी वहां पे उस मोहल्ले में जाके छिड़काव करें, सड़कों पे छिड़काव करें। आगे आगे माइक चलता था कि आप अपने जंगले खोल दें, आप अपनी खिड़कियां खोल दें, पार्किंग हो रही है, धुआं आपके घर में जाए, इसके गैस जाए अंदर। तो देखिए अब ये बातें, हमें तो ये लगता है कि ये चीजें हमको, तो आप देखते हैं नगर निगम के जितने स्टोर हैं, कौन सी गाड़ियां निकल जाती हैं फॉगिंग के लिए, आप वहीं अपने कैमरे लगा दीजिए ना। अच्छा, जो खड़ी हैं गाड़ियां, अच्छा आप देखिए शहर में कितनी निकलती हैं। तो अगर नहीं निकलती तो जिम्मेदार कौन है? मेयर आपका, सारे सभासद 80% आपके, विधायक आपके, एमपी आपके, मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका, स्वास्थ्य मंत्री आपका, सब तो आपका, फिर क्यों? इसलिए कि न विधायकों की सुनी, देखे ये कहने की बात नहीं है, इनके वहां न इनके विधायकों की सुनी जाती है, अच्छा न इनके किसी कार्यकर्ता की सुनी जाती है, किसी चीज, कोई चीज वन मैन शो होता है। अच्छा, और सारी चीजें शासन टू चीज, जो कार्यपालिका है और 2-3 मंत्री और चीफ मिनिस्टर्स के अंदर, कितना कंट्रोल आप कर लेंगे भाई? सिस्टम बना है, विधायक बने हैं, पार्षद बने, इसीलिए बने को उनको जिम्मेदारी दीजिए, उनसे सवाल करिए। आपके वहां होता ही नहीं। अच्छा, आपके वहां बस यही है कि एक चीज की ये सरकार वो सरकार, मोदी सरकार योगी सरकार, दैट साल यहीं पे जाके सारी बातें खत्म हो जाए। इससे निजात दिलाइए और जनता को निजात दिलाइए, फॉगिंग करवाइए। बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जो नगर निगमों के पास, मेरे ख्याल है जितने नगर निगम है उत्तर प्रदेश के,
सबके पास मशीन है, सबके पास सही है, सबके पास चीजें हैं, बस उसका कार्य नहीं हो रहा है सही तरीके से। आप कहना ये लोग हर बार स्वागत करने बैठते हैं, आइए डेंगू आइए मलेरिया आइए, नहीं नहीं जैसा आपने कहा बिल्कुल ये तो आता है, हमने कहा जब पता है आता है तब तो ठीक हो जाए। ठीक है, आज हमने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी हम लोगों ने लिखा है, मुझे पता है, और बड़े निवेदन के साथ लिखा है, उसमें हमने कोई राजनीति नहीं की कि भाई इस देश के प्रदेश के जनता को बचाइए, ठीक, मुझे पूर्ण आशा विश्वास है कि आप करेंगे, ये शब्द मेरा उसमें। तो विवेक शर्मा जी को लेने पहले मैं बड़े चिकित्सक डॉक्टर शर्मा जी को, विवेक शर्मा जी तो यहाँ पर मुझे पता है कि क्या कुछ बोलने वाले हैं, बड़ी बात अच्छी से परिचित है। समझ भाई, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया टाइफाइड कारक बता रही है कि कारक जानना बहुत जरूरी है, क्या सारे मच्छर जनित बीमारियां हैं, टाइफाइड ही मच्छर जनित बीमारी है? और दूसरी बात यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि सिस्टम क्या है, हर साल बीमारी आएंगी, क्या उनको रोकने का प्रयास नहीं है, या सिस्टम ऐसा नहीं है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है कि बीमारी ना हो या इनका संक्रमण कम से कम फैले, क्योंकि वायरल हमेशा फैलते ही रहता है। सनवास भाई, सनवास खान जी, जी सनवास भाई, डॉक्टर सनवास खान आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर भाई, अपना जवाब दीजिए, सवाल आपने सुन लिया मैंने, सवाल दोबारा करिए, मैं सुन नहीं पाया जी। सर भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो मुद्दा हमने रखा है, तो ये बीमारियां जो डेंगू चिकनगुनिया टाइफाइड मलेरिया ये फैल रहा है, सबके कारक एक ही है क्या? टाइफाइड भी यहाँ पर लगातार फैल रहा, लगातार केसेस टाइफाइड के भी आ रहे हैं, चिकनगुनिया के भी आ रहे हैं। जी टाइफाइड का कारक अलग होता है और डेंगू का अलग है जी, दोनों के अलग अलग वजह होती है। एक तो समझ लीजिए हमारे गंदे खान पान से हो जाता है या साफ सुथरा पानी नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी, हाँ। क्योंकि खासकर शहरों में पानी की समस्याएं अक्सर आती हैं, सीवर लाइन कहीं से ब्रेक हो गई जो शुद्ध पीने के पानी में जाकर के गंदगी मिल जाती है उससे भी आ जाता है जी। और रहा उसका आपका डेंगू का सवाल, तो बहुत कुछ टाइम मच्छर के काटने से होता है जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं सफाई में कोई ना कोई कमी रह रही है जी, जो कि मेरे ख्याल से अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पा रही है जी। और जब तक ये सफाई अगर नहीं रखी जाएगी सही से, क्योंकि देखिए पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये लगभग कई सालों से प्रकोप बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से 2017-18 में जो है एक बार डेंगू बहुत तेजी से फैला था, काफी ज्यादा मृत्यु हुई थी जी, बिल्कुल। उसके बाद से थोड़ा सा कम हो गया डेंगू, कोविड में काफी कम हो गया था, लेकिन अब फिर से इस साल जो है ये 2023 में काफी ज्यादा इसने भयावह शक्ल अपना ली है, बहुत ही विकराल रूप ले लिया है इस टाइम, जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी भी चिकित्सक को, क्योंकि पिछले कई सालों से कुछ सफाई का लोगों ने ध्यान रखा था और कुछ बीमारी कम पड़ी थी, लेकिन इधर जो है मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा जो है लोग मर भी रहे हैं डेंगू से जी। जिसका सही से पूरा डेटा जो है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि जो गांव देहात में लोग बैठे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग अपनी इनिशियल स्टेज पे ट्रीट करते हैं और ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना आगे कहीं ना कहीं भेज देते हैं जी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट काफी ज्यादा जो है जब कंडीशन उसकी खराब हो जाती है तब ये लोग आगे भेजते हैं, और आगे जाकर के क्योंकि गांव का पेशेंट काफी गरीब है और डेंगू के ये जो कोविड के बाद से मैंने ये चीज फील करी है कि लोगों पास जो है पैसे की कमी है या महंगाई बढ़ गई है, तो उस वजह से लोग प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम घर में ठीक हो जाएं, या लोग चाहते हैं कि हम जो गांव में बैठा डॉक्टर है तो हम उससे काम चला लें, तो उससे काम चलाने का मतलब ये होता है कि बीमारी ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है कि जब वो हायर सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मेरी तो फिलहाल यही एक राय है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जब एक आइडिया हो गया था हम लोगों को कोविड के बाद से कि बेड की कमी हुई थी या इलाज में जो भी कमियां आई थी, कम से कम अब तो तैयारी ऐसी कर लें कि अगर भविष्य में कोई ऐसी बीमारी आती है, इससे पहले हमारी आपकी इस बारे में चर्चा हुई थी जो एक डिजीज एक्स आने की उम्मीद है जी। तो जो कि कोविड से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी बीमारी जी। तो जब हम एक इस मामूली सी बीमारी को नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, जब एक कोई ऐसी डेंगू या टाइफाइड या
ऐसी कोई छोटी मोटी बीमारी आती है जब उसमें हम लोग नहीं कामयाब हो रहे हैं तो फिर अगर कहीं डिजीज एक्स आ गई तो भी बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है लगभग 25 करोड़ की आबादी से अधिक जनसंख्या वाला ये एक राज्य है, और तो अगर यहाँ पर अगर ऐसी समस्याएं हो रही है कि इन छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के लोग नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं। देखिए मैं जितने भी राजनीतिक लोग बैठे हैं मैं उनसे ही बात कहना चाहूंगा कि सबके पास एक वजह होती है कि हमारा प्रदेश बड़ा है, हमारा प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है। अरे जनसंख्या ज्यादा है तो बजट भी तो ज्यादा है। क्या बात है, बहुत शानदार बात कही है भाई। तैयारी भी तो हमारी उसी हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। यहाँ पर डॉक्टर्स भी ज्यादा है, आप अगर आप किसी और प्रदेश से मिला रहे हैं तो वहां पर डॉक्टर्स भी कम है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी ज्यादा है, यहाँ पर आपके पास पैरामेडिकल भी ज्यादा है, यहाँ पर सुविधाएं भी ज्यादा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के द्वारा चाहे भाजपा रही हो या जो भी गवर्नमेंट आती है अगर कोई सुविधाएं वहां पर पहुंचाई जाती हैं तो उसका सही से रखरखाव ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल सही बात है। जब चीज यहाँ कर हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो अगर आखिरी में जागेगा कि अरे अब तो डेंगू फैल गया अब क्या करें, ऐसा नहीं है। पहले से तैयारी की जानी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। जगह जिस जिस गांव में अगर प्रॉपर तरीके से सर्वे करा लिया जाता कि जैसे डेंगू स्टार्ट हुआ है तो सरकारी अस्पताल के जो भी संबंधित चिकित्सा अधिकारी हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं तो उन सब लोगों को एक आदेश जारी होना चाहिए था कि आपको अपने वीकली जो है अपने क्षेत्र में अगर 50 गांव आ रहे हैं तो 50 गांव की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल होनी और चाहिए। जिस गांव में अगर महामारी या कोई ऐसी बीमारी फैलने लगे तो वहां पर तुरंत जो है अपना स्वास्थ्य की एक टीम को गठित करके वहां पर पहुंचाया जाए, और वहीं अगर गांव में भी इलाज होने लगे तो मेरे ख्याल से ये बीमारियां रोकथाम हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। हमारे सर अब डॉक्टर हमारे साहब विवेक शर्मा समाज सेवी हैं और मुखर हैं और अपनी हर बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। तमाम ऐसे काम रहे जो इनके द्वारा कराए गए जनता की आवाज बनकर। वे भाई अब यहाँ पर वास्तविक चीज क्या है आप बेहतर बताएंगे क्योंकि आप जनता के मुद्दों को उठाते भी रहते हैं और तमाम मुद्दों से रूबरू हैं। किस तरह देखते हैं इन व्यवस्थाओं को और जो संज्ञान लिया गया है वो कहां तक जरूरी था? जी आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है और ऐसे मुद्दों पर हम लोग लगातार बैठते रहे हैं, बैठकें होती रही हैं। हम लोगों की तो यहाँ पर केवल डिबेट में बैठक होती है और सरकारी सिस्टम रोज बैठक करता है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से या 9 बजे से बैठकों का दौर चालू हो जाता है और रात तक चलता है। और मैं शमसी आजाद साहब को बड़ा धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा के, क्योंकि मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं और हमारे जो दो कांग्रेस के और सपा के जो प्रवक्ता महोदय थे और हमारे रजनीकांत जी जो हैं इन्होंने उनसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने सब चीजों का देखिए कभी जब भी आप इस तरीके की डिबेट बुलाते हैं तो कभी भी भाजपा के जितने भी हमने वर्कर देखे हैं वो कभी अपने ऊपर नहीं लेते कि हम सरकार की ये गलतियां हैं या नीतियों के कारण ये गलत तरीके से काम हो रहा है, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी जब बाढ़ आई थी आपने देखा होगा बाढ़ जैसा दृश्य था जुलाई अगस्त सितंबर में, तो कह दिया गया कि अतिवृष्टि हो गई ये ईश्वर का प्रकोप है। भाई क्यों आप किस लिए बिठा ले गए हैं? तो दूसरी बार आपको चुनकर लाया गया है, आप कभी ईश्वर का प्रकोप बता देते हैं, कभी कांग्रेस का बता देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी का प्रकोप बता देते हैं, कभी रालोद का बता देते हैं। आप स्वयं क्या कर रहे हैं? क्या बात, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? केवल एक माननीय मुख्यमंत्री, मैं उनकी दिल से प्रशंसा करता हूं कि केवल एक बंदा है जो काम कर रहा है, बाकी आपके जितने भी केवल और केवल बड़बोले मंत्री बने हुए हैं, केवल और केवल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केवल हवाबाजी में बात चलती है, कभी उसको हटा दिया कभी उसको हटा दिया। अभी आपने देखा पीजीआई में एक सांसद महोदय का बेटा खत्म हो गया, वहां पर इलाज नहीं मिल पाया, कितने अच्छे इलाज चल रहा है। मैं दावा करता हूं अगर ब्रिजेश पाठक जी एक आदमी का भी एडमिशन पीजीआई में करा दें आज उसके ऊपर कार्यवाही हो गई क्योंकि सांसद जी का बेटा खत्म हुआ था, कार्यवाही कर दी गई। अब उस पर उसको कौन देखेगा? ये कार्रवाई खत्म होने के बाद अब ये बात खत्म हो गई, अब इसके बाद कोई ध्यान नहीं देगा। हफ्ता 10 दिन तक वहां पर इस तरीके के रोज पेपरबाजी होती रहेगी कि वहां पर ये चल रहा है, वहां पर उसको तुरंत एडमिट कर लिया गया, वहां पर इमरजेंसी में तुरंत देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद सब ये बंद हो जाएगा जी। ऐसा क्यों, ये अधिकारी करते क्या है? अरे कहते हैं बेड बढ़ाए हैं, समझे बोल रहे बेड बढ़ाए भाई साहब, बेड बढ़ाए हैं। अब हम चलिए उसको उससे अलग हटते हैं और अब यहाँ पर आते हैं डेंगू मलेरिया के ऊपर जो हम लोगों का एक विषय है कि डेंगू क्यों फैल रहा है। क्या जुलाई अगस्त में जब ये बारिश हुई थी
और जलभराव हुआ था उस समय पर अधिकारियों ने, अरे बारिश हुई क्या, मतलब बारिश दिखी नहीं, बारिश हुई है कहीं? मुझे लगा बारिश हुई नहीं इस बार, मानसून सामान्य रहा ही नहीं इस बार। भैया भैया आम जनता को दिखाई दिया लेकिन अधिकारियों को जो बारिश हुई का पुलिस कमरों में बैठते हैं उनको नहीं दिखाई दिया, बारिश बहुत कम हुई है। गौरव जी अब की बार डबल दो महीने का सामान रहा है। जी जी जी, लेकिन लेकिन यहाँ पर लोगों को नहीं दिखाई दिया। जो नालों पर अतिक्रमण है, जो नाले बजबजा रहे हैं कूड़े के ढेरों से, आज तक सफाई नहीं हो पाई है। आज तक अगर आप देख लीजिए घरों के अंदर क्या कूड़ा तो दिखाई देता है कि वहां पर साफ सफाई रखिए, आप नालों पर क्या कर रहे हैं, नाले जो बजबजा रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको तीन चार जगहों का नाम बता सकता हूं, आज भी उसमें मतलब आप लेबर लगकर और नालों को साफ किया जा रहा है। ऐसा क्यों, पहले से क्यों नहीं आप तैयारी करते हैं? इसके अलावा जो रोड पर हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं, पूरे लखनऊ शहर का ऐसी दुर्दशा बना रखी है, जहां से जाइए वहां से दुर्गंध, और वो किसकी दुर्गंध है, कूड़े की। तो क्या ये वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है? हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? आम जनता बीमार नहीं पड़ेगी? टैक्स क्यों देते हैं जी? केवल अधिकारियों को बैठकों के दौर चलाने के लिए? क्या बात, केवल चाय और नाश्ते के लिए किया जाता है? क्या बात। और अभी जैसे हमारे अभी रालोद के जो प्रवक्ता महोदय हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है कि किस तरीके से होगा। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि बैठकों का जो दौर चलता है उसमें केवल और केवल पेपरबाजी ही चलती है। अच्छा, केवल रोस्टर प्लान पूरा बनाकर तैयार रखा हुआ है। अच्छा, आप जिस जोन में जाएंगे, 8 जोन है। अच्छा, लखनऊ में 8 जोन है, 8 जोन का रोस्टर प्लान दिया जा चुका है। अच्छा, लेकिन वो पार्षद महोदय के हिसाब से, वो क्षेत्रीय विधायक के हिसाब से। अच्छा, वो क्षेत्रीय जो वहाँ के ZSO हैं उनके हिसाब से केवल वही काम किया जाता है। अच्छा, आप देखते होंगे जब जब ट्विटर पर मैं कोई कंप्लेंट करता हूँ तो मेरे मेरे क्षेत्र में तो कराकर वहां से घूमती है, मेरे क्षेत्र में दिखाई देती है, वहां पर मेरे पास फोटो आ जाते हैं कि आपके क्षेत्र में करा दिया गया। बाकी और लोग क्या कर रहे हैं? आम जनता ऐसी परेशान रहेगी? बिल्कुल, मतलब जब आपसे कंप्लेंट हम करते हैं, कोई समस्या बताते हैं, तब तो आप उस पर संज्ञान लेते हैं। बाकी अधिकारी क्यों बिठाल रखे हैं? इतना बड़ा अमला क्यों बिठाल रखा है? ये जो आप भीड़ दिखा रहे हैं ये काहे की भीड़ है? बिल्कुल, ये डेंगू और मलेरिया पीड़ित लोगों की भीड़ है जी। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये टाइफाइड जो है वो पानी की वजह से होता है, जी, गंदे पानी की वजह से। जिस जगह आप बताइए, जगह जगह आप कूड़े का ढेर लगाएंगे जी, वो कूड़े का ढेर वहां पर बजबजाता है, नाली का पानी वहां पर इकट्ठा होता है, सीवर का पानी इकट्ठा होता है, वो क्या नीचे नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। वो पानी पानी वाटर में जो हम लोग पीते हैं क्या उसमें नहीं मिलता है? बिल्कुल। तो ये उसी की वजह से ये कारण है कि हम लोग इस समय परेशानियां झेल रहे हैं। आम जनता को सुनाया नहीं जाता। आम जनता अगर कोई बात अपने मुद्दे की उठाती है तो उसको शांत कर दिया जाता है, चाहे वो ताकत से हो। अभी जैसा शमशी साहब इस समय बिल्कुल तैयार है मेरी बात का जवाब देने के लिए, उनका भी और बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर कोई बात नहीं ली। अच्छा। इन्होंने सब जनता के ऊपर डाल दिया। अच्छा। कि ये चिकनगुनिया डेंगू ये जो सब फैल रहा है वो जनता की वजह से हो रहा है, जनता गंदगी कर रही है। अरे भाई हम आपको टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स हम आपको देते हैं, सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ये जो इतना बड़ा हमला आपने बिठा रखा है केवल बैठकों के लिए आपने बिठा रखा है, केवल बैठक की जाती है? बहुत अच्छी बात। जानकारी दे विवेक भाई, ये भी जानकारी मिली है कि जो लखनऊ में तमाम फाउंटेन लगे हुए हैं, तमाम चौराहों पर, वो चल नहीं रहे हैं और वहां पर भी पानी जमा है, सफाई का? सर यहाँ पर सबसे बड़ा कारण तो देखिए, इन सब चीजों का जो जनक है वो है लखनऊ विकास प्राधिकरण। लीजिए अनियोजित विकास, लीजिए अनियोजित कॉलोनियों का विकास, लीजिए आप बताइए कि आबादी के बीच में पार्कों में शवों को जलाया जा रहा है और ये किसके कारण हो रहा है? लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा। उन्होंने योजना काटी, 20 साल 25 साल पुरानी योजना है और पार्क के बीच में मुर्दे जलाए जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है उसके ऊपर? कोई कार्यवाही नहीं, जिम्मेदार है कोई कार्यवाही नहीं बोल रहे थे, केवल मुख्यमंत्री महोदय के पास में जो एक आवरण बैठा हुआ है वहां पर उच्च अधिकारियों का, वो उनके पास तक ये सारी समस्याओं को पहुंचाने नहीं देना चाहते। अच्छा अच्छा ठीक। और वो केवल अपने लेवल से काम करना चाहते हैं और अधिकारी केवल अपने बातों अनुकूलित कमरे में बैठे हैं। अभी तीसरी बात जो आपने उठाई थी कि आपने बताया कि एक कंपनी को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो इको ग्रीन कंपनी थी, चाइनीज कंपनी थी, उसको आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद से आज तक आपके पास कोई ठेकेदार, कोई वेंडर ऐसा नहीं मिल पाया जिसको वो काम दे पाते। क्यों नहीं मिल पाया? क्या किसी और अन्य किसी वेंडर की तलाश हो रही है या किसी को चिन्हित कर लिया गया है? अच्छा, या फिर इस इको ग्रीन को वापस बुलाएंगे? ऐसा क्या कारण है? क्यों नहीं आप कूड़ा उठवा रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
जो सड़कों पर आप कूड़े का ढेर देख रहे हैं, अगर आप यहीं से निकल जाइए तो आपके पीछे पीछे साइड में काफी कूड़ा पड़ा हुआ है सर, गोमती नगर में। ये पॉश एरिया है, यही पास में आपके हॉस्पिटल भी है, कोई दिखाई नहीं देता। चलिए ठीक है भाई, हम समझ तैयार बैठे थे, विवेक भाई बोल रहे थे, जवाब आपको देना, सरकार में आप तैयार तो होना ही पड़ेगा। तैयार नहीं थे। अच्छा तैयार नहीं थे। सार्थक हो रही है, सभी लोगों जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना, जनता को जिम्मेदारी नहीं देंगे, सभी लोगों ने काफी अच्छी, जनता वोट देती पर्याप्त है, टैक्स देती है, थोड़ा सा तनखी जैसे हमारे समाज सेवी है, उनकी कुछ अपनी तलखी है पार्टी, अपनी तलखी नहीं, तलखी नहीं है सर, ये तलखी ना 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 ना, ये तलखी नहीं है, ये अपने अपने ये सर मैं बता दूं ना, नहीं आप आप ही बोलिए फिर, आप तो खुद राजनीतिक लोग हैं, आप बातों के बात में से बात निकालते हैं, आप समझिए ये तलखी नहीं है, ये लोगों के अंदर जिस समय पर जिस तरीके कष्ट है, ये परेशानी है, समस्या है, वो आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, अभिभावक से ही चिल्लाकर कहा जा सकता है, चलिए भाई और किसी दूसरे से नहीं कह सकते, हम आप ही से कह सकते हैं, अब आप जवाब दीजिए, बोल चुके हैं, तो हमने यही देखा कि सभी पार्टियों जो हमारे विपक्ष पार्टी थी, मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत सार्थक बहस की। अच्छा। लेकिन एक आदमी समाज सेवी के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन्होंने हमने यही कहा था कि सरकार ने अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ भी करते, लेकिन इन्होंने 6 साल का पूरा कार्यकाल को बिल्कुल बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। और मैं आपको ये 5-6 जगह नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको पुराने लखनऊ की तस्वीरें दिखला सकता हूँ कि वहाँ पर जो है लगातार जो है गटर साफ करने का काम, लगातार जो है नाले साफ करने का काम लगातार चल रहा है। ये नहीं कि आज बीमारी फैली तो वो हो रहा है और कल हो रही तो वो हो रहा है। बात हो रही थी कि वो गोरखपुर का मैं हूँ और मैंने देखा, अरे पूरा लखनऊ है 2000 से ज्यादा नाले, एक फोटो आप 2 फोटो दिखाएंगे, आप बता रहे हैं कि बीच में, देखिए मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, आप अधिकारियों का पक्ष ले रहे हैं, आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते, आप जनता को ही केवल कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। क्या बात भाई, आप बताइए ये आलमबाग की तस्वीर है, आप दिखाइए, ये आलमबाग की तस्वीर है, 14 दिन से लोग परेशान थे, लगातार आप लोगों से कंप्लेंट की जा रही थी, नगर निगम को कहा जा रहा था, कल मैंने इसको ट्वीट किया है, आज उस पर काम लगा है, क्यों लगा? आप 14 दिन से लोगों को नाले में, उसमें लोग लिख रहे हैं कि आप यहाँ पर नाव का प्रबंध कर दीजिए, आप करा रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छा लगा, आप अधिकारियों का पक्ष ले रहे हैं सर, चलिए ठीक है, गलत बात मत बोलिए, समझिए, जवाब दीजिए, आप जनता के ऊपर आक्षेप मत लगाइए, फिर हो सकता है, आप जनता के ऊपर आक्षेप मत लगाइए, आप जो कह रहे हैं भाई, मैं तो भाई एक बात बताइए, समाज से आता हूँ मैं, तो जनता की बात करने आया हूँ, मैं कोई कांग्रेस की बात करने नहीं आया, ना सपा की बात करने आया हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी के मुंह में आप हैं ये बिल्कुल, अरे सर ये बहुत पार्टी मुंह में क्यों, ये कौन सी बात है, पूरा अच्छी बात बोल रहे हो, पार्टी मुंह में आ गए भाई, ये कौन सी बात है, आपके साथ बहुत बढ़िया बात है, और 14 दिन के बाद सारे नालों की जानकारी देते हैं, इनके संज्ञान में 14 दिन के बाद मैं बोल दिया, जनता को पार्टी से जोड़ दोगे, ये सबको सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लो, नहीं लेंगे सर, जिम्मेदारी मैंने शुरू में ले ली, और मैं यही कह रहा हूँ कि भाई साहब थोड़ा अगर, अरे अभी साबरमती नदी का किनारा तो बन जाने दीजिए, फिर बोलने लगे, चलो ठीक है, सुन लीजिए, बात होने नहीं दे रहे हैं, आगे बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं जो हकीकत में भाई बात बोलिए, जो आप ये मत बोलिए ना कि पार्टी मुंह में, आप अधिकार, आप किसी के ऊपर आक्षेप लगा देंगे, मतलब अगर पार्टी काम होता है पार्टी प्रवक्ताओं को भी नहीं कहा मैंने, मैंने आपको कहा तो कुछ आपकी कमियां थी इसी वजह से, तो मैं आपकी कमियां बता रहा हूं, तो पार्टी के प्रवक्ताओं का भी सम्मान किया कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैंने आपके आपके मन की बात की, उन्होंने आपकी भी बात मैंने की, उन्हें भी मैं सम्मान करता हूं कि भाई उन्होंने भी अच्छी बात बताई, लेकिन कम से कम आपको कुछ कुछ अच्छाई तो बतानी चाहिए कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोई केवल माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, आपके और कोई अधिकारी नहीं, आपके मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं, आप सरकार की बात लेकर चले जा रहे हैं, आप उठाकर दूसरे को, बस केवल यही है कि अपने शब्द दूसरे के मुंह में डालना है आपको कि भाई हमने ये कह दिया तो इसको आप बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लीजिए, क्यों मान लें भाई, क्यों मान लें, आप ये गलत बात मत बोलिए, चलिए ठीक है, समझी भाई, आप बोलिए, आप बोलिए, लेकिन आप जनता को मत परेशान करिए, आप आरोप लगा रहे हैं, जनता को परेशान मत करिए, समझी भाई यहाँ पे आप आरोप लगाए, यहाँ आप नितिन भाई को कुछ नहीं कहा, मले भाई कुछ नहीं कहा, और जिसने आप समझा दिया उसको आप बड़ा बोल रहे हैं, सबका सम्मान क्या ये जनता नहीं है, ये बता दें समाज के लोग, जो लोग पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए जनता ने यही बता दें,
कि अगर मैंने उनकी तारीफ की है तो उनको बुरा क्यों लगा? इनको क्यों बुरा लग गया अगर मैंने सपा की तारीफ कर दी, कांग्रेस की कर दी, डॉक्टर साहब का शुक्रिया, राष्ट्रीय लोकदल का भी शुक्रिया की अच्छी बात। नितिन भाई बोले जाति पर करिए, नहीं जाति वाली बात नहीं है, लेकिन समाज सेवी अगर अगर इनके शब्द ऐसे थे तभी तो मैं कह रहा हूँ कोरोना की बात। खराब बोल दिया मैं कहा सर, मर्यादा से मर्यादा के बाहर बोलते तो हम भी वैसे बोलते, हमारी भी आवाज तेज। मैं तो बहुत भाई अरे बोल ले लीजिए, हमारा नंबर है, जवाब आप मांग रहे जवाब देने नहीं दे रहे। चलिए वो जो प्रत्यक्ष दिखा रहा है उसको तो मान लो, बाकी चीजें नकार दो, प्रत्यक्षम की थोड़ी जिम्मेदारी ले लो। कोने में का फोटो ला के दिखा देना, किसी कोने का फोटो ला के दिखा देना उत्तर। अरे कोने लखनऊ का तो है, लखनऊ में अगर देखा जाएगा तो नाले ही नाले हैं। जिम्मेदारी ले लो, लेकिन इनको एक फोटो मिला एक जगह का 14 दिन के बाद इन्होंने एक जगह ट्वीट किया। समाज सेवी इनको तो रोज ट्वीट करना चाहिए, ऐसी बात ऐसी जगह का रोज फोटो दिखाना चाहिए, रोज इनको दिखाना चाहिए। इन्होंने एक ही जगह का बात किया, मतलब आप ट्विटर पर नहीं है, बात करने की कोशिश करिए। आज 3 साल से लगातार ट्विटर पर हूँ, आप एक बार भी मुझे नहीं दिखाई दिए। आप जितने मुद्दे मैं उठाता हूँ शायद आप नहीं उठाते होंगे। आप केवल पार्टी प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आप अपने आप को भाई सिरमौर समझते हैं। क्योंकि आप अरे गौरव जी आप सुनना नहीं चाहते ना जनता की बात, यही दिक्कत है। क्योंकि ये बात सुनना नहीं चाह रहे, इन्होंने आरोप लगाया, मैंने हाथ जोड़कर इनका अभिवादन किया। हमने खुद कहा शुरू में कि भाई जो सरकार की कमियां रही सरकार को उसको जो है पहले वक्त रहते ही इस पर जो संज्ञान लेना चाहिए। हाईकोर्ट की बात अगर आती है, वही हाईकोर्ट अगर किसी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करता है तो सारा विपक्ष वो हल्ला करने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है उस कानून पर दबाव बना के, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई। हम तो वही देखते हैं कि अगर कानून भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई काम करती सरकार के खिलाफ तो सारे के सारे ताली बजाते हैं, मिठाई बांटते, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि भाई कानून ने इस तरीके से काम किया। अरे बता रहे बटवाया क्या, मलिक भाई मिठाई बटवाया क्या? लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है तो सब जो है तो बिल्कुल से खुश हो जाते हैं, और कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो सबके सब नाराज हो जाते हैं। अच्छा। बहरहाल देखिए बीमारी, मैंने फिर कहा कि बीमारी है और सभी की जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ हमने तो यहाँ तक कह दिया कि घर के बाहर तक की बात की। भाई साहब ने बताया कि वो पुराने दौर में जो है फॉगिंग का काम ऐसे होता था, आज भी 150 से ज्यादा वाहन नगर निगम में है जो पूरे लखनऊ में फॉगिंग का काम दिखाई दे रहा है। चश्मा देखिए लगाया जाता है, चश्मा दो तरीके का होता है, एक चश्मा काला वो होता है, एक चश्मा वो होता है काला जो धूप में लगाया जाता है, लेकिन एक चश्मा काला वो होता है जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लगाया जाता है, उससे कुछ नहीं दिखाई देता। आप वही चश्मे से अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। चश्मा भी दो तरह का होता है। बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, चश्मा देखिए दो तरह का होता है, एक जो होता है काला भी अगर चश्मा है धूप से बचाने के लिए होता है लेकिन उसमें बखूबी आदमी देखता है और पूरा दिन की दिनचर्या काम, और दूसरा चश्मा जो होता है जो सरकार के विरोधी वाला होता है वो मोतियाबिंद के बाद जो लगाया जाता है उससे कुछ नहीं दिखाई देता। तो आपके अगर आंख पे वही चश्मा लगा है तो आपको मैं कुछ नहीं समझा सकता, विरोधी बात है। कहा पूछ लिया तो सरकार की कमियों को मैंने बताया, और मैंने फिर वही कहा कि देखिए सबको जो है मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ना है, जिस तरीके से कोरोना में कोरोना आप चाहो तो जांच कराओ, जांच कराओ आप चाहो तो जांच कराओ। ये जितने नगर निगम के वाहन खड़े हैं डेली डीजल इशू होता है, डीजल तक चोरी होता है। मैं बताऊं भाई ये समाज से भी बैठे हुए हैं और आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, जब वाहन खड़ा हो सुबह से शाम तक की रिकॉर्डिंग करिए, उसके बाद आप उसको ट्विटर पे डालिए और दिखलाइए भाई किलोमीटर चेक करवा दिखाइए कि भाई गाड़ी खड़ी है, नहीं दिखला रहे हमारे। हम तो कह रहे चल रहा है, आप कह रहे नहीं चल रहा है, तो कैसे सबूत होगा भाई? हम कह रहे चल रहा है, आप कह रहे नहीं चल रहा है, तो आप उसके बारे में सबूत दीजिए। आप सरकार चला रहे हैं, हम टीवी है, हम जाके रिकॉर्डिंग करें आपकी भाई। हम तो कह रहे चल रहा है, आप मानने को तैयार नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा है तो आप कैसे मानेंगे भाई? हम फिर वही बात कहेंगे कि आपको जब दिख नहीं रहा है सरकार की उपलब्धि, सब हो रहा है पर डेंगू फैल रहा है, काम दिख नहीं रहे हैं, सब हो रहा है पर डेंगू फैल रहा है। कोरोना जैसी व्यापक बीमारी में पूरी दुनिया को सपोर्ट किया, हमने बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम किया, पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम किया, टीबी जैसी बीमारी को खत्म करने का काम किया,
आपके सामने शुरू होगा, उस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। बोलियो आपने शुरू होगा, क्या गलत बात करते हैं सब सी भाई। देखिए बात, देखिए भाई, बिल्कुल गलत बात है, आप ऐसी बात मत करिए। आप बोल रहे थे मैं किसी के बात में अगर बोला गलत बात मत करिए, मैं चाहता हूं हम बोले आप उसके बाद बोलिए, गौरव जी से कहिए मौका दीजिए बोलने का, आपको 1 मिनट दूंगा, समय कम है, बोलिए गलत बात मत, सबसे जल्दी बोलिए, 1 मिनट बोलिए। सरकार जो है बल्कि प्रदेश की, देश की सरकार जो पूरी तरीके से जागरूक है, मैं फिर यही कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि सरकार का साथ दें। अच्छा। अगर सरकार आपको अवेयरनेस के माध्यम से जागरूकता कराने का काम, सरकार फॉगिंग नहीं कराएगी, कौन साथ देगा भाई, जनता जाएगी क्या फॉगिंग कराने? नहीं कहां नहीं हो रहे, गौरव जी एक बात करके फॉगिंग आप भी दिखलाइए अपने चैनल के माध्यम से, जनता भाई हमारी बात गलत हो। अच्छा मुझे सिर्फ समझी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाइन कहनी है, मैं बताऊं। अरे दो लाइन कहिए सर, पूरा समय आपको है। इनके लिए सिर्फ इतना ही कहा जाता है जी, कहते हैं करते नहीं, भूखे बड़े लवार। अच्छा। काले मुखड़े होंगे जब जाएंगे साहब के दरबार। लीजिए क्या बात, इनके लिए तो बस ये है, लीजिए धन्यवाद, कहते बहुत कुछ है करते कुछ नहीं, भूखे लवार हैं। चल ठीक है, हमसे जवाब देंगे कुछ नहीं, हम जवाब इतनी बढ़िया आपने पंक्तियां बोले भाई है, और इन्होंने पता नहीं किसको कहा है, हम तो जाने किसको कहा है, हमारे किसको कह दिया भैया, हमने कम देखे विपक्ष, हम तो समाज देवी है, विपक्ष के समाज देवी है, इन्होंने कम से कम हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ की, आज के इतिहास में तो यही है कि कोई दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ की तारीफ किया, बहुत अच्छा काम किया इसके लिए, शमसी जी बहुत बागपटता के धनी है, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा विपक्ष के समाज से भी, विपक्ष का बना दिया समाज, विपक्ष समाज हो गया नहीं, क्योंकि क्योंकि समाज से भी, आप समझिए ना, समाज से विपक्ष का होता है भाई, क्या बात, आप सरकार में बैठे हैं, आपको ये भी पता लग गया विपक्ष के समाज से भी, अब इसको भी दबाना है ना, विपक्ष को तो हम उठने नहीं दे रहे पूछूंगा यहाँ पर कि आप कौन से विपक्ष के समाज से भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, रालोद भी है, अब ये तो शमसी भाई बताए ना, ठीक है प्रवक्ता कांग्रेस से बात लूंगा, मलिक भाई बहुत जल्दी आप बात करना चाहते, बोलिए मलिक भाई बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो यही शर्मनाक है कि डेंगू फैल रहा है और हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, इससे पहले ही इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा के लोग इतने निर्लज हैं और इतने बिल्कुल भी अकल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल है, इनको शर्म आती नहीं है, शर्म नहीं आती कि जो काम करना चाहिए था, पूरा मंत्रिमंडल मूवी देख रहा है, प्रमोशन कर रहा है, अरे मुंह छिपा के प्रियंका गांधी की तरह उत्तर प्रदेश छोड़ के चोली चले गए कि हमको जो है सामना करना नहीं आता है, राहुल गांधी की तरह थोड़ी है कि जब चुनाव होगा तभी प्रदेश में आएंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे, अरे ये कौन सी बात, अरे शर्म करो, शर्म तो आपको आनी चाहिए, आज की डेट में आप बता दें प्रियंका गांधी कहाँ पे, तो मैं जानू राहुल गांधी कहाँ है, तो आपको जाने, शर्म करो, नहीं शर्म शर्म तुम करो, शर्म तुम करो भैया, शर्म आप करिए, शर्म आपको आनी चाहिए, आप जो है आपका दामन करता है, तारदार है, आप दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, अरे आपके नेता तो पूरे कोरोना काल में कहीं दिखे ही नहीं, परसों काम को झाड़ू लगा रहे थे हमने देखा था, नितेंद्र भाई आपका जो है गठबंधन टूट चुका है, आप कहां के चक्कर में पड़े, कोई जिम्मेदारी नहीं, नितेंद्र भाई आप इनका बचाव ना करिए, ये आपको हराने के लिए प्रदेश में आ रहे हैं, इनका गठबंधन आपका टूट चुका है, अजय राय ने सब बात खत्म कर दी, अब इनका सपोर्ट ना करिए, मलिक जावेद साहब का साथ आपने दीजिए, समय कम है, लूंगा समय है, जी मूवी देखने के लिए जिसकी चुम्मत आ रही उसी की बात करूं का, आप तो शर्म करनी चाहिए, शर्म प्रमोशन कर रहे हैं मूवी का लखनऊ में, और लखनऊ में डेंगू फैल रहा है, पूरे प्रदेश में डेंगू फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, कहाँ प्रियंका गांधी कहाँ है मूवी का प्रमोशन, अरे प्रियंका गांधी कहाँ है चुनाव में जो आई थी, कॉल हाउस में करोड़ों रुपया खर्चा किया था कि अब हम प्रदेश में रहेंगे, कहाँ चली गई, उनको भी तो बुला लीजिए, दौरा कर लें, आप ये बताइए राहुल गांधी को भी करा लीजिए, यहाँ पद यात्रा यहाँ भी कर ले, ये बताइए ना मूवी मूवी क्यों देख रहे हो आप, भाई हम जो है फिल्म सिटी हमने बनाई है, हम प्रमोशन कर रहे हैं, हम कारोबार को बढ़ाना जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है पर्यटन को फैला रहे हैं, इसमें क्या बुराई है, नहीं इटली इटली जाके इटली जाके बर्थडे मना लेना वो ठीक है, इटली जाके इटली जाके बर्थडे मना लेना वो ठीक है, हर हाल के बाद इटली चले जाना, हो गया रसिका जी कुछ बोल रहे हैं, मूवी देखना बंद कर, रसिका जी कुछ बोल रहे हैं, कंप्लीट हो गई,
तैयार हो गई सारा काम चल रहा है, चल रहा है ना, आप कह रहे हैं तैयार हो गई, काम तो चल रहा है ना, कितनी फिल्में यहाँ शूट हो गई, यहाँ से देखा ही नहीं, यही बात है, ये मैनेजमेंट आपका है, कितनी फिल्में यहाँ तैयार हो गई, रोज आप देखिए प्रदेश में रोज भय का माहौल तक कोई यहाँ आता नहीं था, आज कारोबारी भी आ रहे हैं, आज सिटी के लोग भी आ रहे हैं, आज जो है पूरे, अरे आपको नहीं लग रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है ना, चले ठीक है, हो गया, चले हो गया, मैं फाइनली विवेक शर्मा को लूंगा, विवेक शर्मा जी फाइनली, कुछ नहीं, आप विपक्ष के समाज से भी हैं विवेक शर्मा जी, और मैं चाहता हूं विवेक शर्मा जी कि अगर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप विपक्ष के समाज से भी हैं तो मैं चाहता हूं विपक्ष के समाज से भी बने रहे, विवेक शर्मा जवाब दीजिए। भाई साहब बता रहे थे कि सब जगह फॉगिंग चल रही है जी, ये साइकिल पे जो फॉगिंग मशीन चलती है ये कबाड़ हुई पड़ी, भाई साहब कह रहे थे ना हमको फोटो मंगवा लेना, ये फोटो आ गया, वाहन आ गया, तो फोटो आ गया, क्या मंगाई जा, साइकिल खत्म हो गई, अरे ये भी आप मोहल्ले में गाड़ी भेज दोगे, गाड़ियां आ गई हैं, मोहल्ले में पुराने मोहल्ले में गाड़ी भेज देंगे, सारे जगह गाड़ियां जा रही हैं, भेजेंगे फूल वाली गली में भेजेंगे, अब जगह जा रही है, ये लीजिए, अरे अभी बता रहे थे, आप कहां बताए, भाई ज्यादा बताए, हम भी पुराने लखनऊ के बीच जगह बताए, लखनऊ में आप बता रहे हो गलियों में भी आप फॉगिंग करा देंगे, गाड़ी से हो जाएगी, गाड़ी से हो जाएगी, चले हो गए, लेकिन कोई मोटरसाइकिल आपने नहीं मंगवाई कि मोटरसाइकिल पे आप अपने अधिकारियों के बचाव में बैठे हुए हैं, आप सरकार के बचाव में नहीं है, आप अधिकारियों के बचाव में, आप पता नहीं भाई अधिकारियों ने क्या, धन्यवाद आपका कि आपने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की, धन्यवाद, आप सभी का इस मेरपुर चर्चा में जुड़ने की बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी मेरपुर की चर्चा इस कदर उलझी की तमाम तरह के शब्द सामने निकल कर आए, अभी तक समाज से भी जनता के होते थे पर यहाँ पर समाज से भी विपक्ष के हो गए, ये नई शब्दावली मेरी पत्रकारिता में पहली बार आई। खैर सत्ता है और शमसी आजाद ने जो बात कही है बड़े अचरज करने वाली है। सरकार की अपनी नीति है, सरकार के अपने वादे हैं, योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी है, तो यहाँ पर बेहतर संसाधन भी होने चाहिए। यहाँ मेरा आरोप सरकार को लेकर नहीं है, मेरा आरोप यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर है, मेरा आरोप यहाँ पर केवल उन दर्द को लेकर है जिससे जनता रूबरू होती है। ये वही जनता जनार्दन है जो आपको कुर्सी पर बैठाती है, पर ये वही जनता जनार्दन है जो कुर्सी उतार भी देती है। तो इसलिए इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो दर्द का यहाँ पर समाधान कैसे होगा। समाज सेवी को बोलने या विपक्ष को यहाँ पर टारगेट करते हुए अलग बात कहने से माहौल नहीं बदलेगा। बीमारियां आती हैं पर बीमारियों के लिए यहाँ पर बचाव होता है, और हमने हमेशा सुनते आए हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी सावधानी उपचार से बेहतर है। तो अगर हम इस लाइन को समझेंगे, इस व्यवस्था को समझेंगे, तो बदलाव भी होगा, बीमारी से बचाव भी होगा, क्योंकि बीमारियां बोल कर नहीं आती, मैं भी जानता हूं, पर बीमारियां हर साल ऋतुओं की तरह आती हैं, मैं ये भी जानता हूं ऐसा भी नहीं होता है। बीमारियां क्यों आ रही है, उसका कोई कारण है, कारक है, इसको दुरुस्त रखना है, जनता को बचाना है, अपने जनता जनार्दन को बनाना है, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है, ऐसा ना हो कि जब पछताएंगे तब दिक्कत आएगी, पर एक ही बात होगी, अब पछता थोड़ का चिड़िया चुग गई खेत। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।